हाय एवरीवन, मैं अविनाश कुमार। कहा जाता है मेहनत से कुछ भी किया जाना संभव है, और मेहनत से रही बात दुनिया बदलने की, तो उसका जीता जाता एग्जांपल हमारे सामने है। रॉकेट मैन कहे जाने वाले इसरो के चीफ और चंद्रयान 2 GSLV मार्क 3 के सबसे बड़े पीछे का दिमाग, जी हाँ, बात कर रहा हूं मैं कैलाशव दिवो सिवन की, जिन्हें के सिवन भी कहा जाता है। इस पिक्चर से कौन वाकिफ नहीं है, 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर के गले मिलकर के बहुत ही पॉजिटिव गेस्चर में उन्हें कंसोल किया गया और पूरी दुनिया से सराहना मिली। नासा से उनको ये कहा गया कि वी आर प्राउड ऑफ यू, और उसके बाद जो अलग अलग एजेंसी है, ऑस्ट्रेलिया की साइंस एजेंसी ने तारीफ की है, और उसके बाद जर्मन की एजेंसी ने तारीफ की है, और पूरी दुनिया से पॉजिटिव अप्रोच मिल रहे हैं, और ये पूरा का पूरा संभव हो पाया इनकी वजह से, जो कि है के सिवन। जी हाँ, बात स्टार्ट करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। उनका जो बचपन है बहुत बुरे हालातों में बीता, और उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, उनके पास चलने के लिए चप्पल नहीं थे, तो वो स्कूल धोती में जाया करते थे। उनका जो जन्म हुआ वो हुआ 14 अप्रैल 1957 में, और 1957 में जन्म होने के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके मॉम और डैड फार्मर थे, जी हाँ, खेती करते थे, बहुत मुश्किल से घर परिवार का गुजारा करते थे, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो बेसिक एजुकेशन है वो वही के तमिल मीडियम में फर्स्ट से लेकर के 8 तक कंप्लीट की, और साथ में वो घर में भी अपने मॉम डैड के साथ हाथ बटाया करते थे। जिस समय 8 के बाद जैसे पढ़ाई डिफिकल्ट हो जाती है और उसके बाद ज्यादा पैसे भी लगाने पड़ते हैं, और वो 8 के बाद ज्यादा पढ़ना चाहते थे, तो उनके डैड ने कहा कि इसके साथ तुम्हें घर पे भी काम करना पड़ेगा, और उसके बाद उन्होंने 8 से लेकर के 12th वाली एजुकेशन कंप्लीट की और साथ में घर में भी हाथ बटाया। वो हर दिन घर से लेकर के आम को बेचने जाया करते थे, मैंगो को बेचने जाया करते थे, यहां तक कि स्कूल जाते टाइम उनके पास चप्पल नहीं थे, वो खाली पैर जाते थे, सोचिए। और उसके बाद रही बात, उनके पास ट्राउजर्स भी पहनने के लिए नहीं थे, तो वो स्कूल में धोती भी पहन करके जाते थे, सोचिए। इतने मुश्किल हालात और इतनी दूर पैदल और विदाउट चप्पल के चलने के बाद उनके पैर, वो कहते हैं, एकदम मजबूत हो गए थे। मतलब इतना जज्बा, इतना कॉन्फिडेंस, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी में ही मैक्सिमम आउटपुट कैसे लाया जाए। हम लोग किसी चीज के बारे में ये नहीं सोच सकते कि मेरे पास ये चीज अवेलेबल नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता, तो ये चीज हम बहुत अच्छी तरीके से इनकी जिंदगी से सीख सकते हैं। जब बात उनकी 12th खत्म हुई तो उसके बाद वो करना चाहते थे बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग में करना चाहते थे, पर उनके घर वालों ने सीधा हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो हम लोग ये वाला काम नहीं कर सकते। उसके बाद वो अपनी जिद पे अड़े रहे और उनके डैड भी अपनी जिद पे अड़े रहे, और एट लास्ट उन्हें मानना पड़ा, और उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें बीएससी करने दे सकता हूं। और हालांकि उनके पास पैसे नहीं थे, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, पूरी स्कॉलरशिप से पढ़ाई की, जी हाँ, MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उन्होंने वहां से बीएससी की डिग्री ली। और उसके बाद उन्होंने जब वापस वो कंप्लीट किया, तो उन्होंने डैड ने बोला कि मैंने पहले तुम्हें एजुकेशन नहीं करने दी, लेकिन अब तुम बीटेक करोगे। और उसके बाद फिर बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी उन्होंने की, और उसके बाद उन्होंने मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी भी एरोस्पेस में इंजीनियरिंग में की। जी हाँ, उनका IIT और IISc दोनों में सिलेक्शन हुआ था। IISc अगर आपको नहीं मालूम है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस सेंटर के नाम से जाना जाता है, जो कि बैंगलोर में है, और उसके लिए जस्ट का भी एग्जाम देना पड़ता है अगर आपको नहीं मालूम है तो। और उसके बाद उन्होंने वहां से अपनी मास्टर्स कंप्लीट की, मतलब एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। उसके बाद हालांकि उन्होंने बाद में 2006 में उन्होंने PhD भी की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, जिसके आगे उनका डॉक्टर के सिवन लग गया। वो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा माहिर थे और पढ़ने में एकदम पूरी जान लगा देते थे। इससे हमें ये सीखना चाहिए, उनका ये कहना था कि नॉलेज इज अ पावर, नॉलेज आपके पास है ना तो पूरी दुनिया मुट्ठी में है, क्योंकि पूरी दुनिया नॉलेज के अकॉर्डिंग ही चल रही है। मास्टर्स के बाद वो इसरो में काम करने लग गए, और इसरो में वो चाहते थे कि मैं सैटेलाइट डिवीजन में काम करूं, लेकिन उन्हें विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में काम मिल गया, और उसके बाद उन्हें PSLV के व्हीकल के अंदर उनको काम करना पड़ा। अब आपको PSLV नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब आप बोलेंगे ये क्या होता है, तो मैं एक सेकंड के लिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि दो टाइप के होते हैं सैटेलाइट, एक PSLV और एक GSLV, मींस पोलर सैटेलाइट और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट होता है वो क्या करता है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन जो PSLV सैटेलाइट होती है वो क्या करती है, वो नॉर्थ और साउथ पोल के अराउंड चक्कर लगाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो GSLV है वो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल वे में वर्क करता है, और जो PSLV है वो वर्टिकल वे में वर्क करता है। तो उन्हें PSLV के ऊपर वर्क दे दिया गया, जो कि उस समय 1982 में वो था। अब क्या हुआ कि 1982 के टाइम पे उसी टाइम ही क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट लेने लग गई कि अब हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें हम ज्यादा पैसा लगाना है, और क्योंकि हमें इसमें प्रगति करनी है। तो उसी समय 1982 में गवर्नमेंट ने भी इस प्रोग्राम में इंटरेस्ट दिखाना लग गया, और उन्हें PSLV का हेड बना करके उन्हें भेज दिया गया। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और जबरदस्त तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई।
उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान दिए, जैसे कि उन्होंने सितारा सॉफ्टवेयर बनाया जो कि एनालिसिस में, सैटेलाइट एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है। और उसके बाद उन्होंने जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम किया वो किया क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर। यूएस ने अपने वो मैप और उसके बाद हेल्प करने से मना कर दी थी और ये क्रायोजेनिक इंजन उसके बाद इंडिया में खुद ब खुद सारी टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया गया। जी हाँ, यही सबसे बड़ी बात है कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो कहते हैं उसमें काम करना चाहिए, उसके बाद उससे मैक्सिमम आउटपुट, हाईली इफिशियंट आउटपुट निकाला जा सकता है। और उसके बाद उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिए और उसके बाद सक्सेसफुल सारे के सारे मिशन हुए। इसके बाद बात आई 2015 की, जिस समय की किरण कुमार का कार्यकाल खत्म हो गया जो कि इसरो के चीफ थे, और उनके बाद इनको इसरो का चीफ बना दिया गया। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिए थे, जैसे कि GSLV, PSLV और बहुत सारे लोगों ने सक्सेसफुल परीक्षण किए थे। और उसके बाद इन्हें हेड बना दिया गया, इन्हें चीफ बना दिया गया इसरो का। और उसके बाद इन्होंने नए नए तरीके से, बहुत तूफानी तरीके से काम किया। ऐसा कहा जाता है कि जो इसरो का जो पूरा ग्रोथ है ना, वो साथ में K-7 के ग्रोथ के साथ साथ में जुड़ा हुआ। तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिए। और यहाँ तक कि जो रिसेंटली जो हमारा चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ, चंद्रयान 2 लॉन्च में उन्होंने एक बहुत ही सही तरीके से कंसेप्ट यूज किया। जैसे कि जो बाकी कंट्रीज है वो क्या करती है, सीधा कच्चा, जैसे यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है मून है, तो वहां पर सीधा स्ट्रेट भेजती है कोई भी सैटेलाइट। लेकिन जो हम लोगों ने यूज किया वो क्या किया, हम लोगों ने इसकी ग्रेविटी का यूज किया, मतलब मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट, ये हमेशा सीखना चाहिए। तो उन्होंने इनकी ग्रेविटी का यूज किया, मतलब कि जो सैटेलाइट की अर्थ की ग्रेविटी से जा करके गोल गोल घूमते घूमते उसके अंदर मून की ग्रेविटी में आ गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट दिया, कॉस्ट इफिशियंट प्रोजेक्ट पूरा का पूरा बना। और उसके बाद उन्होंने सक्सेसफुली कर दिया, 22 जुलाई को पूरा सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरा ये फेल हो गया, 95% ये सक्सेस। 2017 में उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जिस समय की 104 सैटेलाइट, जी हाँ 1, 2, 10 और 50 नहीं, 104 सैटेलाइट सीधा छोड़ करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। सोचिए एक सैटेलाइट जिस समय छोड़ते हैं और दो सैटेलाइट अगर साथ में छोड़े तो कितना ज्यादा खतरा रहता है कि वो आपस में कोलाइड हो जाए। लेकिन 104 सैटेलाइट छोड़ करके 2017 में रिकॉर्ड बना दिया, पूरी दुनिया में कीर्तिमान सेट कर दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग कॉस्ट इफिशियंट चीजों के ऊपर वर्क करते हैं, और उनका जो फ्यूचर प्रोग्राम है वो ये है कि रीयूजेबल लाइट व्हीकल, मतलब रीयूजेबल व्हीकल का वो लोग यूज करने वाले हैं। कि जैसे कि जो हम लोग, जैसे कि अगर आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से हम लोग सैटेलाइट को स्पेस में लेके जाते हैं तो कोई व्हीकल की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाएं तो बस एक व्हीकल हो गया जिसके ऊपर हम लोग सवार होकर जाते हैं। तो सैटेलाइट जिस चीज के ऊपर सवार होकर जाते हैं उसे कहते हैं लॉन्चिंग व्हीकल। तो अब वो फ्यूचर में रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल का प्रोजेक्ट लाने वाले हैं। जी हाँ, इसका मतलब कि क्या, एक बार वो सैटेलाइट में चला गया और उसके बाद उस व्हीकल को वापस लाके उसी चीज को यूज करके फिर से उसे रीयूज किया जाए। सोचिए कितना ज्यादा करोड़ों की सेविंग होगी और कितना ज्यादा वो हाईली इफिशियंट होगा, हाईली प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट पूरा बनेगा। उसके बाद उन्होंने जैसे ही फ्यूचर में ये वाला जो रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल का जो प्रोजेक्ट है, अभी तक दुनिया में बहुत कम लोग, मतलब कि सिर्फ एक ही इंसान ने किया है, जो कि है आप सब उनसे वाकिफ है, SpaceX। SpaceX कंपनी जो कि इलॉन मस्क चलाते हैं, बहुत ही जबरदस्त इंसान है, बहुत ही महान इंसान है। उनके बारे में आप नेट पे देख सकते हैं, वरना उसका भी अगर मैं आपको केस स्टडी बना करके दे सकता हूं। उसके बाद उन्होंने K-7 ने बहुत सारे फ्यूचर में जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स प्लान करके रखे हैं, जैसे कि जो गगनयान 2021 तक प्लान करके रखा है। जी हाँ, इंसानों को वो लोग मून पे भेजेंगे। उसके बाद और भी प्रोजेक्ट्स लाइनअप हैं, जो कि आदित्य L1, जी हाँ, सन की स्टडी करने के लिए, सन के ओर पूरा का पूरा डेटा स्टडी करने के लिए ये वाला प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। और फ्यूचर में उनके पास और भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स लाइनअप है कि वो वेनस के ऊपर भी स्टडी करने वाले हैं, और कई सारे ऐसे टाइप के 32 कई सारे रिसर्च प्रोग्राम हमारे पास ये है जो कि फ्यूचर में वो लोग करने वाले हैं। और उसके बाद K-7 ने रिसेंटली आने वाली टेक्नोलॉजी को देख करके उन्होंने नए नए बच्चों के लिए भी नए नए प्रोग्राम स्टार्ट किए। उन्होंने कहा कि हम लोग पूरे शहर में से 3 बच्चों को उठाएंगे और उसके बाद उनको जो कि सैटेलाइट का प्रोग्रामिंग करते हैं और या फिर सैटेलाइट के बारे में उन्हें इंटरेस्ट है, उनके पास कोई कोड अवेलेबल है या फिर उनके पास डिजाइन अवेलेबल है, तो हम उन्हें इसरो की तरफ से प्रमोट करेंगे, हम उन्हें एक इनिशिएटिव देंगे। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे न्यू प्रोग्राम्स भी किया है, जैसा कि संवाद विद स्टूडेंट्स, वो लोग खुद डायरेक्टली, जी हाँ, K-7 जो इसरो के चीफ है, वो खुद जाके बच्चों से मुलाकात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे, उनके इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। उन्होंने और भी यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जिसके कारण वो छोटे छोटे बच्चों को उठाएंगे और आने वाली टेक्नोलॉजी को देख करके छोटे बच्चों को उठा करके उन्हें इंडिया की टेक्नोलॉजी में हेल्प करेंगे। सारी फैसिलिटी, सब कुछ, लैब एक्सेस और इसरो के अंदर सारी फैसिलिटी उन्हें मिलेगी, जिससे कि इंडिया की टेक्नोलॉजी में कुछ नया बदलाव लाया जा सके। इस तरीके से K-7, जी हाँ, फ्यूचर में आने वाले टाइम में बहुत आगे ग्रोथ करने
अब तक क्या करती थी कि इसरो अपने सारे के सारे जो मैपिंग करती थी सैटेलाइट्स की और उसके बाद वो उसे खुद बनाती थी, लेकिन अब वो इंडस्ट्रीज को भी शामिल करना चाहती है। उनका जो फ्यूचर प्रोग्राम है वो ये है कि इंडस्ट्रीज को हम लोग साथ में लाएं, हम लोग पूरा प्लान और मैप रेडी करके दें और वो पूरा का पूरा उसे डिजाइन को इंप्लीमेंट करे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो आने वाले टाइम में अगर आप बिजनेस खोलना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप इसरो के लिए साथ में काम करें और इसके लिए आपको अच्छा खासा पैसा तो मिलेगा, साथ में इज्जत और देशभक्ति अलग से। तो इसीलिए उन लोगों का जो फ्यूचर है वो बहुत ही विजनरी है, बहुत ही दूर की सोच रखी है और आने वाले टाइम में एक से एक जबरदस्त प्रोजेक्ट और इंडिया टेक्नोलॉजी में सबसे नंबर वन पे जाने वाला है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको के सिवन की स्टडी और के सिवन की पूरी हिस्टोरिकल बायोग्राफी और उनकी केस स्टडी बहुत कुछ सिखाएगी और अगर आपने जिंदगी में हार्ड वर्क, डेडिकेशन और पूरी जुनून लगा दी, पूरा नॉलेज लगा दिया तो आप जिंदगी में कुछ भी चीज अचीव कर सकते हैं। एट द लास्ट उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इन दो वीडियोस को भी जरूर देखिएगा मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रहने के लिए। और एट द लास्ट रिसेंटली मैंने एक ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया है जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और यहां पर भी क्लिक करके आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग अभी स्पार्क्स।